गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है हमारा ऋषिकेश में डे टू और अभी हम खड़े हैं अपने हॉस्टल में। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। तो अभी हम यहाँ से निकलने का प्लान है हमारा गोपेश्वर का। गोपेश्वर से जाएंगे सागर विलेज, जो कि सबसे पास पड़ता है रुद्रनाथ से। तो वहाँ पर स्टे करेंगे। मंडे ट्यूसडे हमको काम करना है, देन फ्राइडे और थर्सडे का ऑफ लेंगे कंपनी से, देन उसके बाद करेंगे ट्रैक स्टार्ट उस ड्यूरेशन में। तो अभी फटाफट से रेडी होकर निकलते हैं। तो भाई लोगों, अभी तपोवन से ऑटो करके ऋषिकेश बस स्टैंड पे आ चुके हैं 30 रुपये में, और अभी यहाँ से हमने 450 की बस करी है चमोली तक की। तो दो बस जा रही थी, एक कर्णप्रयाग गोपेश्वर की और एक जा रही थी चमोली। तो जो कर्णप्रयाग वाली बस थी सामने खड़ी है, ये हमको उतार रही थी कर्णप्रयाग पर, जो कि काफ़ी दूर है गोपेश्वर से। अगर हम चमोली उतरते हैं तो 8-10 किलोमीटर आगे ही गोपेश्वर पड़ेगा। तो हमने फिर बद्रीनाथ वाली बस में बैठने का डिसीजन लिया है और अभी हम बैठे हैं बद्रीनाथ वाली बस में। तो अगर आप जाते हो तो आप चमोली की टिकट लेना, कर्णप्रयाग की मत लेना, कर्णप्रयाग से दूर पड़ेगा। गड़े में दर, रीढ़ की हड्डी में दर, अब सड़े का मौसम और बच्चों की चल जाती है पसली, ये चलना पसली को रोकेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा हिंदी का पेपर मोबाइल नंबर 8। मलो 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 बाबा, और दर्द को छुपा के मत जाओ बोले भाई, वो कैसा भी दर्द है और बच्चे बड़े के लगाओ बाबा। तो भाई अभी हमारी इसका टायर वायर कुछ पंचर नहीं हुआ है, इसकी रॉड टूट गई है, जो स्टेयरिंग की रॉड होती है व्हील को जरूरत करने की। तो अभी आप देख ही सकते हो क्या हुआ इसका। वो कंडक्टर उतर के आया था पूछने के लिए। तो भाई कुछ यही हमारा लग है, पिछली बार लॉस्ट में टायर पंचर हुआ था गंगोत्री से, तो बार तो एक्सल ही निकल गया नीचे का, और मेन रोड पर खड़ी है अभी थोड़ी देर में। टायर में करवा के भैया धक्का लगवा के, बस धक्का लगवा के हमको भाई जाओ मन लग जाएगा नहीं। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये रॉड टूटी है अभी, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। अगर पंचर होता तो इतना टाइम नहीं लगता। भैया लोगों को भगा नहीं दिया था क्या? भैया लोगों को इजी वाला, हां वो तो उनका रहता है वहां पे, वो तो भैया चलता रहता है यही सब पॉलिटिक्स है भाई। ये वाली जो आप रोड देख रहे हो ना, ये वाली रोड, ये रोड स्टीयरिंग की रोड होती है जो टूट गई है। अब इन्होंने जुगाड़ देखो क्या बनाई है, इन्होंने इसको तार से बांध दिया, जहाँ पे इनकी उंगली है ना वहाँ से ये टूट गई है, ऊपर बोल्ट फंसा के इन्होंने तार से बांधा है इसको। तो भैया ये मिस्त्री आ चुके हैं सामान लेके, अब इसमें लगेगा परमानेंट फिक्स। अभी 1-2 किलोमीटर ही चले होंगे हम यहाँ से, तो 1-2 किलोमीटर आगे ही ये मिस्त्री आ चुके हैं, ये इसका परमानेंट फिक्स। भैया भाई अपना सरिया जैसा लग रहा है बिल्कुल, बस इसकी दाढ़ी हटवा दो सरिया। अभी यूट्यूब से देख के ठीक करता हूँ भाई, 5 मिनट मेरी गाड़ी में ले आ गई है। कैसे ठीक करे, मेरी गाड़ी में ले आ गई है। तो भाई लोगों, अभी रुके हुए हैं हम 3 धारा पे। तो जनरली जो भी बस ऋषिकेश या हरिद्वार से चलती है तो उसका पहला स्टॉप
तीन धारा होता है अगर आपको कुछ खाना पीना है, देन उसके बाद आगे और भी हॉल्ट होंगे एक दो, ज़्यादा नहीं। बट हमारी बस जो है अभी ख़राब हो गई थी, तो उस केस में अब ड्राइवर कह रहा है कि अब तो वही कहीं रोकेगा, अब तो सीधा वही रोकेगा चमोली वमोली के आसपास। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:30 और हम चले थे सुबह 9 बजे के, तो गाड़ी ख़राब नहीं होगी तो अब तक हम शायद पहुँच चुके हैं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है, बाकी अभी कर्णप्रयाग पहुँच गए हैं। भाई अभी चमोली से बचा है हमारा 9 किलोमीटर यहाँ पे चमोली, अभी ज़रा ट्रैफिक निकाल रहे हैं, पुलिस वाले रुके हुए हैं सामने से। व्यू दिखाइए भैया। व्यू तो यार अब अंधेरा सा हो गया, अब नहीं आएगा व्यू। बढ़िया बेटा ये पहाड़ों की वो है भाई, बस बस निकल रही हैं। सो गाइस चमोली डिस्ट्रिक्ट से बैठ चुके हैं कैब में, जो कि हमको उतारने वाली है गोपेश्वर, जिसका किराया है 30 रुपये। तो अगर आपको आना है रुद्रनाथ की तरफ तो पहले आपको चमोली तक आना पड़ेगा, चमोली से आपको टैक्सी मिल जाएगी शेयरिंग की। तो ये देख सकते हो आप इसमें बैठे हुए हैं इतने लोग, सीट तो मिलेगी नहीं क्योंकि बैठने को ऐसे बैठ के जाना पड़ेगा भाई। तो भाई लोगों यहाँ पर ले लिया है अपन ने रूम अलका गेस्ट हाउस करके है यहाँ पर गोपेश्वर में, और ये इसका कुछ बाथरूम तो ठीक है यार, मतलब बढ़िया थी तो लॉक कर लिया हमने, अब जा रहे हैं गोपेश्वर एक्सप्लोर करने। तो भाई ये आप देख सकते हो ये भी मेन चौक है यहाँ की गोपेश्वर की, और यहाँ से हम आए थे और यहाँ पर ये बैंक है, इसके पास में हमने अपना रूम लिया हुआ है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मोमोज खाने, देखते हैं यहाँ पर सुना है मोमोज काफ़ी अच्छे हैं। तो ये भाई गूगल मैप दिखा रहा है नीचे, भाई मोमोज़ की दुकान तो मिली है मैं बंद, भैया कह रहे थे यार संडे की वजह से जल्दी बढ़ाती है, कल जाएंगे बाहर खाने वापस से, कल जाएगी दुकान खुलेगी सबसे पहले ग्राहक हम ही होंगे, जस्ट किडिंग गाइस। और ये यहाँ पर जस्ट इसके ये जो चौक है आपकी, यार ये मेरी वीडियो हिल रही है, गिम्बल होता सही रहता। ये वाली चौक पे GNBN है, तो अगर आपको रूम्स लेने हैं GNBN में तो वो ले सकते हो। उसके रेट क्या थे भाई एक रूम का? 500 डॉम के और 22,000 डीलक्स रूम, 22,000 डीलक्स रूम के थे। तो भाई ये रेट थे GNBN के आपके। सो भाई मोमोज आ चुके हैं हमारे, ये दूसरी दुकान पर हमने खाए हैं गढ़वाल, ये है गढ़वाल रेस्टोरेंट, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग रही थी तो इसलिए हमने रुकना प्रेफर किया। बाकी मोमोज देख सकते हो, सूप आया मोमोज के साथ में, ये क्रिस्पी मोमोज हैं, ये चटनी है, अभी मेयोनीज लेके आ रहे हैं भैया। सो भाई ये भाई के चिकन मोमोज, ये मेरे वेल मोमोज, और ये हमारे क्रिस्पी मोमोज जो कि बहुत ही टेस्टी थे, और ये मेयोनीज लिया है भैया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हम खड़े हैं गोपेश्वर में और सुबह के बज रहे हैं 7, तो मौसम काफ़ी खुला हुआ है और पीछे का नज़ारा आप देख ही सकते हो व्यू में, बहुत ही शानदार नज़ारा। और जिस जगह पर हमने होटल लिया है वो भी बहुत बढ़िया जगह है, बट होटल थोड़ा एवरेज है क्योंकि काफ़ी सस्ते में हमने लिया है। तो ये है कुल मिला के मैटर, तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं गोपेश्वर के लिए नहा धो के। तो भाई हमने जहाँ पर ये होटल लिया है यहाँ पर ये बस स्टैंड भी है पास में, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से अगर आपको जाना है तो आप बस भी ले सकते हो, हरिद्वार देहरादून आपको सब जगह की यहाँ से बस मिल जाएगी, प्लस प्राइवेट बसेस भी यहाँ पर चलती हैं। तो ये जो बस अभी आप देख रहे हो हिमगिरी एक्सप्रेस, तो ये जो है प्राइवेट बसेस हैं। तो भाई विवेक भाई चलाना सीख रहे हैं गिम्बल, अभी DJI का ऐप डाउनलोड करवाया है इनसे, अब लेंगे भाई शॉट यहाँ से, ये वाले व्यू देखो भाई, रेड बटन से चालू हो जाएगा वो वीडियोस में। तो भाई हमको ये रूम करना पड़ रहा है खाली क्योंकि इसके बाथरूम की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है भाई। 250 रुपये में और कैसी है बताओ? 250 रुपये में मिला भाई, 250 रुपये में तो सोना मिल गया, तुम फ्रेश फ्रेश हो लिए और इससे ज़्यादा कैसी है भाई। हम निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे रूम की तरफ, एक देख के आए हैं 800 रुपये में,
तो वहाँ जा रहे हैं, वो काफ़ी थोड़ा सही लोकेशन पर है, तो मिलते हैं अभी आपसे वहाँ पहुँच के, फिर वहाँ पहुँच के रेडी होंगे। भाई अपने नए रूम की लोकेशन कुछ ये है, ऊपर से एंट्री है, फर्स्ट फ्लोर का रूम 1200 का था, ये 800 रुपये का है, और ये रहे इसके बेड, पंखा वंखा लगा हुआ है, बाथरूम भी भाई ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ा है, और क्या ही चाहिए। बाकी व्यू के ही पैसे हैं और यहाँ पे मेन तो दोस्तों नहा धो के हो चुके हैं एकदम फ्रेश, और नीचे का व्यू आप देख ही सकते हो, यही बेहतर नज़ारा है, और ये एक नंबर लोकेशन है यार होटल ये पूरी, इसलिए से थोड़ा सा महंगा पड़ा है, थोड़ा सा, जहाँ हमको 250 रुपये पे करने पड़ रहे थे अब वहाँ हमको पे करने पड़ रहे हैं 400 रुपये पर पर्सन। तो यही है भाई कहानी। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर है गोपेश्वर जी का टेंपल, और वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव गोपेश्वर, और ऊपर फहर रहा है तिरंगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, और बाकी आप नेचर का आनंद ले ही सकते हो। तो भाई लोगों अपना काम वगैरह करके निकल चुके हैं रूम से अपने, अब जा रहे हैं हम सीधा गोपीनाथ मंदिर, तो अभी आपको दिखाते हैं गोपीनाथ मंदिर पहुंच के वहाँ का व्यू, वे भाई रूम को लॉक करते हुए, भाई इसमें सही है सिस्टम गिम्बल का भी, सारा व्यू तगड़ा दे रहे, लॉक कर लो तो बढ़िया, देखो अभी लॉक कर रखा मैंने तो ये मेरे हाथ के साथ चलेगा, थोड़ा हिलेगा भी पर ठीक है। भाई ये तो अभी भी नहीं आई, भाई हमने जिससे रूम लिया है उससे फ़ोन पे बात हुई है हमारी, बस ये नहीं बैठा यहाँ पे, सो वैसे इसने कही कि 102 नंबर से चाबी ले जाओ, तो हम 102 नंबर से चाबी ले आके हमने रूम खोल लिया है अपना, और हम उसमें बैठ रहे हैं जाके, बाकी हमें नहीं पता कुछ भी भाई, पैसे वैसे अभी कुछ नहीं दिए ना, आईडी दिए हमने, ए आओ इधर से आओ। तो ये है पार्किंग लॉट यहाँ का, फोन कर लो करो तो, वरना आ लेते हैं यार पहले रुको, घूम के आते हैं मंदिर। तो ये यहाँ की मार्केट है भाई, रात तक आए ना है, रात तक आए ना, अरे नहीं यार आ जाएगा। तो भाई हमारा फ़ोन हो चुका है थोड़ा सा पुराना, अभी हमने एक्सेस लॉक की हुई है इसकी गिम्बल की, पता नहीं कहाँ भाग रहा है, तो अभी जस्ट थोड़ा ट्राई ले रहे हैं बस, जो वीडियो हमने नॉर्मल शूट करी है वर्सेस जो हमने गिम्बल से शूट करी है। तो भाई फाइनली अपन लोग आ चुके हैं गोपीनाथ पर, ये है टेंपल, टेंपल नहीं आएगा ना, काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा सुबह आ जाते, सुबह आ जाएंगे कल भी तो है, ये तो ब्लैक आ रहा पूरा, इसको भाई परेशान कर दिया था अभी बंदों ने। तो भाई यहाँ पर अपन ने उतार दिए हैं जूते चप्पल, और ये है मंदिर, अभी धूप की वजह से आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी भगवान का पूरा परिवार बैठा हुआ है, ओ सॉरी महादेव जी का पूरा परिवार, श्री कृष्ण जी का नहीं नहीं, ये श्री कृष्ण जी ने गोपी का अवतार लिया था, तो इसमें महादेव जी के सामने वो प्रकट हुए थे। तो भाई ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार है अंदर, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो कि आप देख सकते हो। तो भाई ये जो आप त्रिशूल देख रहे हो, ये त्रिशूल 1191 ईस्वी का स्थापित है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, काफ़ी पुराना त्रिशूल है ये। तो भाई जी आप देख सकते हो रुद्रनाथ जी के पीछे वाला व्यू पूरा मंदिर का, तो काफ़ी पुराना बना हुआ है ये, जैसा कि देखने में लग रहा है, और ये है पूरा मंदिर परिसर। तो भाई अभी हम बैठे हुए हैं गोपीनाथ जी के मंदिर पर, और नेटवर्क हमारे फ़ोन के बिल्कुल उड़ चुके हैं, अब पता नहीं भाई ये नेटवर्क उड़े क्यों हैं, ये क्यों उड़ रहा है भाई, तू तो हमारे सीधर है भाई, जियो के नेटवर्क में यहाँ पर आ रहा है सिर्फ इमरजेंसी लिखा हुआ, और सुबह से 5G नेटवर्क आ रहे थे, 4G हो गया एयरटेल 4G हो गया भाई। गोपीनाथ अथवा रुद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध यह शिव मंदिर बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है, गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक विशाल तथा ऊंचे मंदिरों में से एक यह है, यह एक वर्गाकार गर्भगृह पर नागर शैली के शिखर के साथ
प्रांगण के केंद्र में स्थित है, जबकि बाकी आप ये पढ़ सकते हो, दोनों इसमें ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमको। जी, यहाँ पे ना भगवान शंकर का मंदिर है। हाँ जी। और पंच केदारों में जो चतुर्थ केदार हैं श्री रुद्रनाथ जी, उनका शीतकाल में पूजा अर्चना यहाँ पे होता है। जैसे केदारनाथ का उखीमठ में होता है, तो वैसे भगवान रुद्रनाथ जी जहाँ पे भगवान शंकर के चेहरे का दर्शन होता है एकानंद स्वरूप में, तो उनका यहाँ पे पूजा अर्चना 6 महीने यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं कल्प वृक्ष है, ये 12 महीने सदाबहार है ये वृक्ष। जैसे इसकी जो प्रजाति जंगल में वो सूख जाती है, लेकिन जो यहाँ पर है ये मंदिर के समय से है और सूख जाती है, ये सदाबहार है हमेशा। और अंदर भगवान एक स्वयंभू शिवलिंग है, उनके ठीक सामने माँ पार्वती की मूर्ति है, और यहाँ के क्षेत्रपाल आकाश भैरव देवता हैं। और छोटे छोटे ये हनुमान जी के मंदिर भी हैं यहाँ पे, माता दुर्गा का है, संत वो गणेश भगवान जी का है। और यहाँ से 100-150 मीटर दूरी पे एक रति कुंड है, बैतरणी कुंड, वहाँ से जल ला के यहाँ पे अभिषेक किया जाता है। और कहते हैं भगवान शंकर ने यहाँ पे कामदेव को पसंद किया था, कामदेव राक्षस को नहीं, कामदेव देवताओं के उतना काम को जागृत करते थे। जब भगवान शंकर ना समाधि में बैठे हुए थे, तो कोई राक्षस अंधकासुर वो कर रहा था, हाहाकार मचा रहा था, वो लड़ाई कर रहे थे देवताओं से, तो उनको उसको ये वरदान था कि वो शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। तो ऐसे में शिव जब समाधि में बैठे हुए थे, तो देवताओं ने उन्हें समाधि से जगाने के लिए कामदेव को बुलाया, तो कामदेव ने अपना कामरूपी बाण चला के शिव को समाधि से उठाने का प्रयास किया, तो भगवान समाधि से विरक्त हुए और सीधा कामदेव को भस्म कर दिया। पंडित जी से मंदिर है ये बताते हैं, केदारनाथ से भी ज़्यादा पुराना है। केदारनाथ से ऊंचा मंदिर है, हाइट में ऊंचा है। नहीं, अभी जैसे मैं कह रहा हूँ छठी शताब्दी का मंदिर है, छठवीं, ये पुरातत्व विभाग के अनुसार छठवीं आठवीं बताते हैं, छठवीं। तो केदारनाथ तो 10वीं शताब्दी का मंदिर है, वहाँ पर जो लिखा हुआ है जी, तो ये तो उससे भी पुराना हो गया केदारनाथ। ये ज़्यादातर ये मंदिर ना सब एक ही समय के हैं, एक ही समय के। जी जी जी। अच्छा, और ये जो ये सारे शिवलिंग ये खुदाई में निकले गए हैं ये ना। अच्छा। हाँ, ये मंदिर अभी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत है। अच्छा, कुछ शिवलिंग पहले से कुछ खुदाई में निकले। अच्छा, और यहाँ पे जैसे त्रिशूल है, तो ये शिव शक्ति है, और इसमें कुछ लेख भी लिखे गए हैं, इस नीचे लिखेंगे ना। हाँ हाँ, इसमें कुछ लेख लिखे जो कुछ पढ़े गए हैं, कुछ अभी नहीं पढ़े गए जी। और केदारखंड में भी इसका उल्लेख मिलता है मंदिर का, केदारखंड में। जी जी। उसका स्ट्रक्चर तो जैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल केदारनाथ से और तुंगनाथ बाकी सारे पांचों केदार से मिलता हुआ स्ट्रक्चर। केदारों में ऐसे ही रहते हैं, केदार भूमि में। सो हेलो गाइस, आज है हमारा day 3 और अभी हम खड़े हैं अपने होटल के रूफ पर, और पीछे का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही शांत और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मंडल के लिए, और एक बार दर्शन भी कर लेंगे बिना जी के निकलते निकलते। और बाकी ये सिटी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही शांत है, तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो शांति ढूंढने के लिए तो बेस्ट जगह है। इवन कि अगर 2 किलोमीटर दूर कोई कुत्ता भी भौंक रहा है तो उसकी आवाज़ भी आ जाती है, तो बहुत ही शांत जगह है। और कल से हम है यहाँ पर, तो वेदर भी ठीक है, जो नॉर्मल वेदर ऋषिकेश या हरिद्वार में होता है वही वेदर यहाँ पर है, थोड़ी सी ठंड है रात में बस। ये आ चुके हैं हम गोपीनाथ जी के मंदिर पर, तो इसका जो आकार है वो बिल्कुल केदारनाथ, तुंगनाथ और पांचों केदार के बिल्कुल इक्वल है। और कल हमने पंडित जी से जब बात करी थी तो वो बता रहे थे कि ये केदारनाथ से भी ऊंचा है मंदिर हाइट में। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं मंदिर में, बोलो हर हर महादेव। वही
भाई लोगों दर्शन हो चुके हैं अपने को दोबारा से गोपीनाथ जी के, और मंदिर आप देख सकते हो बेहद ही खूबसूरत मंदिर। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मंडल की तरफ, एक बस जाती है यहाँ से मंडल के लिए, तो मंडल के बीच में पड़ेगा सगर विलेज, तो हमें रुकना है सगर विलेज में। देखते हैं अगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आया तो फिर हमें एट दी एंड वापस यहीं पे आना पड़ेगा, बट वही है कि हमको नेटवर्क मेन है क्योंकि ऑफिस का काम भी करना है आज। तो भाई हम कर रहे हैं चेकआउट होटल से अभी इतने, तो रूम कर चुके हैं अपन खाली। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं सगर विलेज के लिए, तो अभी हमने ऊपर पूछ के आए थे हम, तो थोड़ा यहाँ से 500 या 600 मीटर दूर आपको कैब भी मिल जाएगी 30 रुपये में अगर आप जाना चाहते हो तो, वरना यहाँ से शेयरिंग की कैब चलती है 400 रुपये में, और एक बस जाती है जड़ी बूटी के लिए, मंडल की बस जाएगी जिसका नाम है जड़ी बूटी, तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे आके कि जड़ी बूटी की बस कब जाएगी, तो 9:30 बजे निकलती है वो यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ सगर विलेज के लिए, जहाँ से टैक्सी मिलती है वहाँ से आपको मंडल के लिए भी मिल जाएगी 30 रुपये में, तो चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अपन आके बैठ चुके हैं टैक्सी में जो सगर विलेज तक जाएगी, तो अभी हमको 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो जब तक पूरी सवारी नहीं भरेगी तब तक नहीं चलेगी, तो अगर आपको जाना है तो आप अपनी प्राइवेट कैब करके जा सकते हो, इनकेस अगर आपको जल्दी है तो बस मिल गई तो आपका लक है, बाकी इस वाली टैक्सी के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पीपल हो जैसे पूरा एक ग्रुप है तो ईज़िली जा सकते हो। अभी हम एक विवेक ये और पीछे 2 लोग और बैठे हैं, बाकी अभी 4 लोग मिसिंग हैं, तो 4 लोग आ जाएंगे जब ये चलेंगे। तो भाइयों अभी अपन ने ले लिया है रूम क्या होम स्टे टाइप में, एक अंकल जी मिल गए थे हमें, उन्होंने अपने घर में स्टे करवा दिया है 800 रुपये में, बाकी यहाँ पर रूम के चार्जेज आपको 1500 में लग जाएंगे अगर आपको रूम लेना है 3 बेड का, बट हमें 2 बेड चाहिए था मतलब डबल बेड वाला, तो इसीलिए हमने सस्ते रेट में लेना प्रेफर किया। बाकी अंकल जी से अभी थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे, देखते हैं क्या लगा लेते हैं अंकल जी। बाकी भाई ये जो सिटी है ना, बेहतरीन नज़ारा जिसे कह सकते हैं अपन, दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई, और अपने को जाना है यहाँ, ये जो बादल आप देख रहे हो ना, इस यहाँ पे हमारा पहला हॉल्ट होगा ऊपर पीक पे, ये वाली पीक पे, तो कल हम इसका अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ये पीछे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा अपना होम स्टे है, अपना गया मतलब लिया हुआ है अपन ने, तो हमको अभी मैंने बताया ना आपको ये सस्ता पड़ा, बाकी अब थोड़ा हम मीटिंग वगैरह लेके अपना ऊपर जा रहे हैं ट्रैक की तरफ, तो देखते हैं भाई ट्रैक पर कैसा इसका स्टीपनेस है क्या है। बाकी भाई बंदा जो है ये होम स्टे वाला बहुत सही बंदा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, अभी कड़ी चावल मैगी और चाय पी हमने, काफ़ी अच्छी थी। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, और आप ऊपर का वेदर देख ही सकते हो कितना तगड़ा हो रखा है, ट्रैक पूरा स्टीप है लेकिन। दोस्तों अभी बैठे हैं हम रूम पे, जो हमने एक होम स्टे लिया था भाई, खाना एक नंबर था, अंकल जी ने एक नंबर खाना बनाया भाई, और हमसे लिए हैं इन्होंने 1200 रुपये, जिसमें दोपहर का खाना, शाम का खाना, चाय, दिन का नाश्ता सब इंक्लूडेड था। तो होम स्टे का काफ़ी खाना भाई, अभी तक का उत्तराखंड का सबसे बेस्ट खाना खाया मैंने आज, बिल्कुल देसी घी के साथ, रोटी, दाल, कद्दू की सब्ज़ी, वो बात अलग है भाई, आप लोगों को नहीं पसंद बट खाना बहुत टेस्टी था, तो अगर आप आते हो तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो।
बाकी डिटेल मैं आपको दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, कल स्टार्ट करेंगे अपना रुद्रनाथ का ट्रैक। तो मिलते हैं आपसे उस वाली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और बाकी के ब्लॉग्स भी देख लो अगर आपने नहीं देखे हैं तो। टाटा बाय बाय, सी यू।